दुकान या टेंडर हमें मिलना चाहिए। पकड़ तो बढ़ेगा ही, पर बात अब इज्जत की है। आई नो चाचा जी, इस बवेजा ने भी रात दिन एक कर दिया होगा टेंडर के लिए। आई एम श्योर। देखो तो कॉन्फिडेंट तो ऐसा लग रहा है जैसे टेंडर इसी को मिलेगा। पर इसे ये नहीं पता कि ये मल्टी करोड़ होटल का जो टेंडर है उसका ब्लूप्रिंट का डिजाइन मैंने बेस्ट दिया है और इसकी बिड भी सबसे लोएस्ट मैंने लगाई है। ये सब लोग अभी बिड चेक कर रहे हैं और जैसे ही टेंडर खुलेगा ये लोग मेरा ही नाम लेंगे। I'm sure. चले। Hello, Mr. Thakur. Hello. How are you? I'm good. All the best. You too. लीजिए आगे। चले। So friends, हमने सब बीट्स चेक की है और फाइव स्टार होटल बनाने का करोड़ों का टेंडर आप में से किसी एक को मिलेगा और जिसका भी ब्लूप्रिंट सबसे बेस्ट होगा ये टेंडर उसी को मिलेगा। मैं अभी इसकी अनाउंसमेंट करता हूँ और ये टेंडर मिलता है मिस्टर बवेजा को। Congratulations, Mr. Babu. Thank you so much, sir. ये कैसे हो गया भाई? I know, चाचा जी, मेरे डिजाइन तो सबसे बेस्ट थे और ये बिट भी सबसे कम थी। ये गलत है। I know for sure मेरे डिजाइन सबसे बेस्ट थे, मेरी बिट भी सबसे कम थी। किसी ने तो कुछ गलत किया है। जी हाँ मिस्टर ठाकुर, ये गलत है और ये किसी और ने नहीं, आपने किया है। मुझे नहीं पता था कि आप एक टेंडर पाने के लिए इतने डर्टी गेम्स खेले। आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। Are you out of your mind? Mr. Arman Thakur. जो डिजाइन आपने सबमिट किया था वो सेम टू सेम मिस्टर बवेजा से मिलता है और इनकी कीमत आपके टेंडर से कहीं कम थी, इसलिए ये टेंडर मिस्टर बवेजा को दिया जाता है, आपको नहीं। क्योंकि मिस्टर बवेजा का व्यू पॉइंट एक घंटा पहले ही सबमिट हो गया था और सेम टू सेम उसके बाद आपका टेंडर एक घंटे के बाद सबमिट किया गया। इससे ये साबित होता है कि इनका डिजाइन आपने चुराया और सेम डिजाइन आपने सबमिट किया। मीटिंग इज ओवर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर ठाकुर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? उसका मेरा डिजाइन सेम कैसे हो सकता है? मैंने अपना डिजाइन खुद बनाया था एंड आई एम 100% श्योर कि बवेजा ने उसे चोरी किया है, क्योंकि मेरे डिजाइन की सिर्फ एक ही कॉपी थी और वो भी मेरे लैपटॉप में। इसका मतलब मेरे प्रोजेक्ट की सारे डिजाइन्स और डिटेल्स किसी ने लीक करी हैं और बवेजा को दी हैं ताकि वो मेरे डिजाइन से प्रोजेक्ट और टेंडर जीत सके। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कौन लीक करेगा मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? तू कह रहा है कि टेंडर की पूरी इन्फॉर्मेशन तेरे लैपटॉप में थी तो बवेजा को कैसे मिल सकती? तेरा लैपटॉप तो घर पे रहता है ना? यही तो मैं सोच रहा हूँ चाचा जी। इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई हमारी। कितना नाम खराब होगा हमारा इंडस्ट्री में जब सबको पता चलेगा कि हमने किसी का डिजाइन चोरी किया। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अपसेट तो मैं भी हूँ। घर जाके लैपटॉप चेक करूंगा तो पता चलेगा कि सच क्या है। क्या हुआ, आप ऐसे सैड क्यों हो? मेरे टीचर नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे क्या हुआ, आपकी चीख से ऐसे गोल गोल क्यों है? मिसेस श्रीनिवासन नहीं आई है ना, इसीलिए सैड है। अच्छा मैं कॉल करके देखती हूँ। अम्मा फोन नहीं उठा रही है, ऐसा तो कभी नहीं होता। जरूर कोई प्रॉब्लम है, मैं जाकर देखती हूँ। अनवी, अच्छा आपको आपकी म्यूजिक टीचर के घर जाना है? आपको पता है वो कहाँ रहती है? हाँ बहुत अच्छे से पता है। चलो चलकर देखते हैं आवाज क्यों नहीं है। अच्छा हम टीचर से मिलने जा रहे हैं। हाँ बच्चा आपकी टीचर से मिलने जा रहे हैं। ओके Thank you.
कृष्णा को बचाने के लिए। ये मोस्ट वेलकम। कहीं जा रहे हो आप? टीचर से मिलने। आप भी चलो। मैं? ठीक है। पर एक बार कृष्णा से भी तो पूछो कि ये मुझे लेके जाना चाहती है या नहीं। इनको भी ले चले। अगर आपके हैंडसम अंकल हमारे साथ जाएंगे तो आपकी बुआ से कौन मिलेगा? आप टीचर से मिलने जा रहे हो ना? वो टीचर ही है ना जिससे मिलने जा रहे हो? हाँ। अनवी, कार में जाके बैठो, मैं अब भी आ रही हूँ। बच्चे के सामने ऐसे रिएक्ट करना जरूरी था? तुम काम ही ऐसे कर रही हो। माँ से मिलने तो जा रही हो लेकिन सबके सामने रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही। मिसेस श्रीनिवासन ये बोलती हो ना अपनी माँ को? बोल लिया, ये और भी कुछ बाकी है? हाँ बाकी है। कब मानोगे तुम सच? हो बोलो। सरोज, क्या हुआ बच्चा? बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बच्चा, देखो बिल्कुल छोटी सी चोट लगी है। बच्चा नहीं है ना, देखो अब भी ठीक हो जाएगा। देखो अन्वी, ये देखो, हाँ ये देखो क्या आ रहा है आपके पास। अरे अरे, ये तो उड़ते हुए आ रहा है, जो मेरी ब्यूटीफुल डॉल के पास आ रही है ना। देखो 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 आ रही है। और ये पता है क्या करेगी? ये गुदगुदी करेगी। मोस्ट वेलकम। अनवी चले बच्चा, आ जाओ। कितने दिनों बाद देख रही हूँ आपको अप्पा, पर अप्पा इतने कमजोर, तबीयत ठीक नहीं है, तभी अम्मा ऐसे पकड़ के। अन्वी बच्चा आप यहीं रुकना, मैं अब भी आई। रिशा तो यहाँ? कैसी है तू कन्ना? बहुत इंतजार कराया तूने अपने अप्पा को, इतना बड़ा पनिशमेंट तो मुझे मिली अप्पा, पता नहीं किस बात के लिए, क्यों और कब तक। ये वक्त भी गुजर जाएगा कल, बहुत जल्द गुजर जाएगा। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारा टेंडर बवेजा को मिला कैसे। मतलब टेंडर की सारी इन्फॉर्मेशन तेरे लैपटॉप में थी और तेरा लैपटॉप सिर्फ तू ही यूज करता है और लैपटॉप घर पे ही रहता है, फिर कैसे हो सकता है? तुझे पूरा यकीन है कि पिछले दिनों तेरा लैपटॉप किसी ने यूज नहीं किया? मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, अनवी की रिपोर्ट सेंड करनी है, मैं तुम्हारे लैपटॉप से कर लूं? हाँ कर लो, मेरा काम भी हो गया, मैं बस जा ही रहा था। थैंक यू। किया था चाचा जी, त्रिशा आई थी कल रात, उसने लैपटॉप यूज किया था मेरा, उसे कुछ अनवी के डॉक्टर को रिपोर्ट भेजनी थी। त्रिशा? हाँ, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ कर तो नहीं सकती लेकिन पूछने में हर्ज क्या है, इतनी बड़ी बात है आखिर पता तो चले। इतना बड़ा धोखा हुआ कैसे? वो ब्लू प्रिंट बबेजा को मिले तो मिले कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ चाचा जी। प्रिशा के साथ कौन?